जहाँ सैकड़ों लोग रोज जाकर पूजा करते हैं। जनहित के लिए मैंने ये अच्छा कार्य किया, अतः मैं अच्छा आदमी कहलाने का अधिकारी हूँ। और किसने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, राजा ने अन्य दरबारियों से पूछा। मैंने एक तालाब बनवाया है जिसमें आम लोग स्नान आदि करते हैं, दूसरे दरबारी ने कहा। तीसरे दरबारी जी झट से बोल उठा, मैंने राहगीरों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला बनवाई है, ये भी एक नेक कार्य है, इसलिए मैं भी एक नेक आदमी की श्रेणी में आता हूँ, श्रेणी यानी कीर्ति में आता हूँ। तो इस तरह बच्चों क्या बताया गया है कि एक राजा है, उसका दरबार सजा हुआ है, तो वो दरबारी से पूछ रहा है कि एक अच्छा आदमी कौन है। तो दरबारी ने बताया कि जैसे मैं अच्छा साबित हो सकता हूँ क्योंकि मैंने भी एक मंदिर बनवाया है, ताकि सब लोग उसमें आकर पूजा कर ले। फिर दूसरे दरबारी ने कहा कि मैंने भी एक अच्छा कार्य किया है, कि मैंने धर्मशाला बनवाई ताकि आने जाने वाले लोग वहाँ पर आराम कर दें। और तीसरा दरबारी था, उसने भी कहा कि मैंने भी एक भलाई का काम करा है, जैसे कि मैंने एक तालाब बनवाया है कि जो आने वाले लोग उसमें स्नान कर लें, तो मैं भी अच्छा आदमी कहलाने के योग्य हूँ। अब आगे देखते हैं। फिर तो एक एक कर सभी दरबारियों ने अपना कुछ न कुछ कार्य बताकर अपने को अच्छा आदमी सिद्ध करने की कोशिश की, मगर एक दरबारी चुपचाप बैठा रहा, वह कुछ भी नहीं बोला। जब राजा की निगाह उस पर गई तो राजा ने उससे पूछा, आप क्यों चुप हैं? एक बार मैं एक पहाड़ी जंगल से गुजर रहा था, कई डाकुओं ने मुझे घेर लिया, मेरे पास सूचना पाकर क्रोधवश उन्होंने मुझे जान मारना चाहा। मैंने उनसे कहा, मुझे दुख है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हाँ मेरी जान लेकर आप सब सुखी हो सकते हो, मैं अपनी जान संघर्ष देने के लिए तैयार हूँ। सोचता हूँ चलो मेरा जीवन किसी के काम तो आया, मगर मृत्यु से पहले मेरी एक सलाह सुन लो, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसा कि तीन दरबारियों ने पहले पहले बता चुके थे कि हमने क्या क्या अच्छा कार्य किया जिससे हम अच्छा आदमी बनने के योग्य हैं, और फिर दरबारी आपस में सब अपना अपना कार्य जो उनके तो बताते रहे। उसमें एक दरबारी ने जो चुप था, राजा की नजर उस पर पड़ी तो राजा ने पूछा, तुम क्यों चुप हो? तो दरबारी ने कहना शुरू करा कि मेरे एक बड़ी बात थी कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, वहाँ डाकू थे और डाकू ने मारने की कोशिश की। मैंने कहा कुछ है नहीं, तुम्हें लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद मेरी जान से के काम आ जाए, लेकिन मेरे को मारने से पहले मेरी आत्मा को शांति मिले। अब आगे इसके बाद आप बिल्कुल छोड़ दें, इतनी मेहनत अगर अच्छे कार्यों में करेंगे तो भगवान आपको सब तरह की सुविधाएं और शांति देगा। मैं समझता हूँ कि अब तक आप अपने लूट पाट और हत्या करके सच्चा सुख अपने जीवन में कभी नहीं पाया होगा, और न सच्ची शांति आप सबको कभी मिली होगी। मुझे जो कहना था कह दिया, इसे मानना न मानना आप सब पर है, इस चलिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहकर मैं
कार्यों से काम करेंगे तो भगवान आपको सुख सुविधा दे देगा। मैं समझता हूँ कि अब आप लूटपाट जितनी भी आपने करी है तो आपको उसको शांति नहीं मिली होगी, और मेरा काम का आपको समझाना, मानना या ना मानना आपका कार्य है। उसके बाद से अपनी गलती को और मणिमन भगवान से कि भगवान इन लोगों को थोड़ी सदबुद्धि प्रदान करें। आप इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अगले ही क्षण डाकू का टका मेरे पैरों पर गिर पड़ा, क्षण यानी अगले ही पल, और बोला आपने हमारी आंखें खोल दी, मैं अब आपकी जान नहीं लूंगा, आपकी नेक सलाह मुझे स्वीकार है। सचमुच लूटपाट और खून खराबे से हमें आज तक सिर्फ परेशानी और अशांति ही मिली है, कभी सुख चैन से हम नहीं रहे। अब हम सब आपके सुझाव के अनुसार सही कार्य करके ही जीवन यापन करेंगे, यापन यानी जीवन बिताएंगे। आज से ये कुत्सित कार्य विश्वास छोड़ देंगे, उससे यानी ये गलत काम छोड़ देंगे। दरबारी ने राजा को बताया, तो क्या बताया गया कि जैसे दरबारी ने डाकू को सलाह दी कि कोई बात नहीं आप कोई काम ले लो, लेकिन आपको एक मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप ये लूटपाट का काम छोड़ देंगे, और ये लूटपाट करने में कोई आपको शांति भी नहीं मिली होगी, परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मानना या ना मानना आपका काम है। तो ये दरबारी की बात सुनकर क्या हुआ, डाकू जो था दरबारी के पैर से नीचे झुक गया और उसने कहा, क्षमा मांगी, उसने कहा कि जो आपने कहा है, जो आपने नेक सलाह है, ये लीजिए, नेक सलाह से हम आगे कार्य करेंगे और ये हम बुराई का काम है हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखते हैं, दरबारी क्षण भर रुक कर फिर बोला, और सचमुच उन सबने उस दिन से लूटपाट का काम छोड़ दिया। मेरे जीवन की यही एक सामान्य घटना है। इसमें अगर आपको कुछ अच्छा नजर आए तो कहिए। जैसा कि मैंने बताया कि दरबारी ने आके अपनी जो घटना डाकू के साथ जो हो गई थी, अनुमति को उन्होंने राजा को बताई। राजा ने उससे कहा कि देखो मेरे जीवन की ये घटना है, अगर आपको सही लगे तो ठीक है। अपनी बात खत्म कर वह दरबारी राजा की ओर देखने लगा। राजा थोड़ी देर चुप रहकर बोला, जो आदमी समय को अच्छा और दूसरों को बुरा कहता है, दरअसल वह अच्छा आदमी है ही नहीं। अच्छा वही है कि जो अपनी अच्छाई का बुरे आदमी पर ऐसा असर डाले कि वह अच्छा बन जाए। डाकुओं को बुराई की राह से अच्छाई की राह पकड़ाकर आपने जो नेक कार्य किया है वह सचमुच आपको अच्छा आदमी सिद्ध करता है। इसे आप अतियुक्ति ना समझें, यानी कि बेकार अतियुक्ति बेकार समझे। अच्छे आदमी के संभव में राजा की जो विचारधारा थी, उसने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों जो अपने को अच्छा आदमी सिद्ध करने में लगे हुए थे सबकी गलतफहमी दूर कर दी। तो इस पहले में क्या बताया गया, लास्ट का गया था, इसलिए बताया गया है कि राजा ने कहा दरबारी से कि जब तुमने अपनी अच्छाई को निकालकर और दूसरों की बुराई को दूर करा, यही अच्छा काम है। अच्छा आदमी वह नहीं है जो खुद अच्छा है, और अच्छा वही है कि जो दूसरों को भी अपनी अच्छाई से दूसरों को भी अच्छाई के रास्ते पर चलाए। तो बच्चों ये रस्म खत्म हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उससे हमें क्या होगा, मिलेगा सलाह देनी चाहिए, से हटाना चाहिए, और हमें उसको बड़े प्यार से बड़े प्रेम के साथ में उसको हमें समझाना चाहिए। उससे कहेंगे हम गलत तरीके से गलत व्यवहार अगर हम कुछ करेंगे तो वो आदमी कभी बदलेगा नहीं। तो अच्छा आदमी वही है, अच्छा वही इंसान है जो अपनी अच्छाई से दूसरे की बुराई को दूर कर दे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बाकी के जो इसका होमवर्क है मैं आपको ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगी, उसके शब्द वगैरह और कठिन शब्द। और आप क्या करेंगे, आप रिटन के लिए अपनी हिंदी कॉपी में काम करेंगे, करने के बाद PDF बनाकर हमें आप सेंड करेंगे, और बाकी जो एक्सरसाइज है और जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपकी क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।